बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बना रहे हैं अचार चिकन, जिसके लिए 1 किलो चिकन चाहिए, आधा किलो दही है, 2 टमाटर हैं, ये चंद हरी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, चाट मसाला, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ, हल्दी और लाल पिसी हुई मिर्च, ये राई है सॉरी मेथी दाना, सूखा धनिया, सौंफ, कलवंजी और ये जो सूखे मसाले हैं ना, ये 4, इनको हल्का सा कूट लें, मशीन में हल्का सा चला लें और ये इस शक्ल में आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल डालेंगे, 1 भर के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 7 इसमें चिकन चला जाएगा। लहसुन अदरक ब्राउन हो जाए और चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो जाए, फिर इसमें मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन थोड़ा सा हो गया, ब्राउन हो गया, अब इसमें मसाले डालेंगे। मिक्सर हल्दी चलाएंगे, ये जो मसाला जो हमने कूट के रखा था वो वाला, नमक का चाट मसाला, ये कुछ ही लाल मिर्च, गरम मसाला, ये जो टमाटर थे वो हमने पीस लिए थे, इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब इसको दम पे लगा देंगे। इसको दम पे लगा देंगे। अब ये जो हरी मिर्चें हैं ये इस मसाले को मिक्स करके इससे भर लेंगे। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला मिक्स करेंगे और ये हरी मिर्चों को कट लगा के इसमें मसाला भर लेंगे और ये दम में लगाएंगे। इस तरह कट लगा के मिर्चों को इसके अंदर ये मसाला भर लें। ये सारी मिर्चें इसे भर लें। ये मसाला आपका सेफ हो जाएगा, फ्रिज में रख लें, किसी डिब्बे में डाल के दोबारा आपके काम आ जाएगा। रखने रही 10 मिनट हो गए, दम दिया हुआ था, ये शक्ल में आ जाएगा। ये अभी है देवी थोड़ी की, अभी इसी में आप हरी मिर्च जो हरी हुई थी वो डाल देंगे, उसको और 10 मिनट दम लगा देंगे। तो 10 मिनट और दम लगाएंगे, ये पानी खुश्क हो जाएगा और ये मिर्चें जो अंदर हो जाएंगी। जितनी देर में हमारा चिकन पक रहा था उतनी देर में हमें एक और आलूओं को इसी मसाले में से मैंने निकाल के आलू भी बनाए हैं। 10 मिनट हो गए, मिर्चें भी गल गए और चिकन भी रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम इसको डिश आउट करते हैं। एक घर के फर्द का ऑर्डर आ गया था जी, हमने चिकन नहीं खाना, तो उनके लिए उसी मसाले में से अचार, गोश्त के मसाले में से अचार ही मसाला थोड़ा सा लेके उसी में आलू का दम लगा दिया, वही सारे मसाले इसमें गए, टमाटर और वो सूखा मसाला सारा, तो ये आलू भी रेडी हो गए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये अचार गोश्त भी रेडी हो गया और उसी मसाले में से बने हुए आलू भी रेडी हो गया। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।